जी नमस्ते। नमस्कार सर। बुंदी जी बताइए, जब घर में गैस नहीं थी तो जीवन कैसा था, और अब उज्ज्वला की वजह से क्या लाभ हुआ है? माननीय मोदी जी, जब मेरे घर में गैस नहीं था तो मैं जंगल से लकड़ी लाती थी और चूल्हे में आग जला के खाना पकाती थी। उस टाइम इतना बुरा समय था कि आंखों से आंसू आते थे, लकड़ियां गीली होती थी, खाना समय पे नहीं बन सकता था। और जब से आपने हमें गैस दिया है तब से मेरा समय की भी बचत हुई है और साथ में मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ, और जो समय बचता है उसमें मैंने गायें पाली हुई है, उससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ और अपने थोड़े समय में अपने पापा को भी देख लेती हूँ। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे उज्ज्वला के अंतर्गत गैस दिया है, और साथ में LPG इंडियन ऑयल का भी धन्यवाद करती हूँ। बुंदी जी, मुझे बताया गया कि अब तक आपने 22 रिफिल कराए हैं, यानी आप इस योजना का पूरा लाभ उठा रही हैं। क्या आपने अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को, साथियों को ये बताया कि इस प्रकार की योजना है और इसका लाभ ऐसे मिल सकता है? जी, मैंने सबको बताया है। जितनी मेरी बहनें थी और मेरे गांव की जो महिलाएं थी उनको मैंने सबको बताया है कि आइए मेरे घर में देखिए, हमारे माननीय मोदी जी ने मुझे फ्री में उज्ज्वला गैस दिया है, और आप भी जाइए और आप इसका लाभ उठाइए। तो जितनी भी महिलाएं थी और मेरी बहनें थी वो लोग इंडियन ऑयल गए हैं और वहां से उन्होंने गैस लिया है, और गैस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई है हमें, और आसानी से हमें गैस मिल गया है। बुद्धि जी, आप पिताजी की इतनी सेवा करती हैं, इतने समर्पण भाव से सेवा करती हैं। पिताजी की आयु क्या है, पहले क्या करते थे वो? मेरे पिताजी मिस्त्री का काम करते थे, और मेरे पिताजी जो हैं अभी 80 साल के हैं, वो चल नहीं सकते, उनके कमर में दर्द है और हमेशा बीमार रहते हैं। तो आप उनकी सेवा करती हैं? जी। बुंदी जी, आपने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारे लोगों की मान्यता है कि बेटा होना चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आए, लेकिन आपने एक बेटी के तौर पर पिताजी की इतनी बड़ी सेवा की और आज भी इतनी सेवा कर रही हैं। आपने ये जो लोगों की मान्यता है उसको झुठला दिया, और बेटी भी बुढ़ापे में माँ बाप की कितनी सेवा कर सकती हैं, इसका उत्तम उदाहरण आपने और खुद ने मेहनत करके जीवन जी करके अपने माता पिता की सेवा की है। मैं पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ इस काम के लिए। बुंदी जी, मैं आपका और आप जैसी करोड़ों बहनों का आभारी हूँ जिन्होंने इस योजना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। आज आपका समय भी बचता है और शक्ति भी बचती है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप, जैसे मैंने कहा कि अपने पिताजी की इतनी सेवा भी करती हैं, पशुओं का भी संभाल करती हैं, परिवार भी चलाती हैं, आप बेटी के तौर पर, नागरिक के तौर पर, महिला के तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।